हेलो एवरीवन मैम भी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा आठ की जो गणित की कार्य पुस्तिका, पुस्तिका का सत्ताईस और नंबर कार्यपत्र तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्ताईस से सत्ताईस का फर्स्ट क्वेश्चन है तन में अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था कितने ना, किससे नापा फीते से मेज दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर अर्थात दो सौ पंद्रह सेंटीमीटर कितना दो सौ पंद्रह सेंटीमीटर निकली वह इसे सिर्फ मीटर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा तो जैसे दो सौ पच्चीस सेंटीमीटर है दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर है पंद्रह है यहाँ पर दो सौ सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर दो मीटर पंद्रह सेंटीमीटर तो आ जाएगा दो पॉइंट पंद्रह मीटर नेक्स्ट अपन लेंगे रंजीत की मेज 170 सेंटीमीटर लंबी है इसे मीटर में लिखना है तो एक पॉइंट सत्तर मीटर एक पॉइंट मीटर नेक्स्ट मेज़ का कमरा छः सेंटीमीटर लंबा है इसे मीटर में लिखेंगे तो छः पॉइंट कितना आ जाएगा छः पॉइंट मीटर मीशू का कमरा छः सौ सड़सठ सेंटीमीटर लंबा है इसे मीटर में लिखना है तो 6 चार सौ है तो चार सौ सड़सठ है तो चार पॉइंट मीटर नेक्स्ट तो बबीता की साड़ी पांच सौ दस सेंटीमीटर लंबी है उसे मीटर में लिखिए तो पांच पॉइंट दस मीटर पांच पॉइंट दस मीटर नेक्स्ट सन्मे की मेज़ धाई में कितना था? 10 था। तो 10 धाई के अंदर है हमारे पास। अब धाई में कुछ है ही नहीं हमारे पास मीटर के अंदर, क्योंकि एक है हमारे पास यहाँ पे। तो इकाई में है, तो इकाई में एक आ जाएगा। दशांश में सात है, और यहाँ पे जो दशांश के इसमें आएगा एक तो आ जाएगा एक पॉइंट सत्तर मीटर नेक्स्ट है महेश का कमरा छः पॉइंट पिचत्तर का है तो छहत्तर तो यहाँ पे आ जाएगा छ पॉइंट पिचत्तर मीटर नेक्स्ट यहां सड़ सड़, तो यहाँ पर है चार सौ सड़सठ चार छ और सात चार पॉइंट सड़सठ सड़ मीटर नेक्स्ट है चार सौ बरानवे अब चार सौ बरानवे का चार नो और दो तो चार पॉइंट बरानवे मीटर नेक्स्ट है पांच सौ दस सेंटीमीटर लंबी है तो पांच एक जीरो तो पांच पॉइंट दस मीटर नेक्स्ट कार्यपत्रक अट्ठाइस और अट्ठाईस का हम ले रहे हैं सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन देखो बैलगाड़ी में लदी बोरियों में से तीन बोरिया जिनका प्रत्येक का वजन है एक क्विंटल कितना वजन है एक क्विंटल और पांच किलोग्राम है नेक्स्ट है तीन बोरिया हैं जिनका प्रत्येक का वजन एक क्विंटल है तो तीन क्विंटल हो गया और पांच किलोग्राम और पांच किलोग्राम है तो पांच इंटू तीन पंद्रह किलोग्राम हो गया नेक्स्ट है छह बोरिया एक एक क्विंटल की है छः बोरियाँ एक क्विंटल की तो और पांच आठ बोरिया पचास पचास किलोग्राम की है तो आठ इंटू पचास कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आठ पंजे चालीस चार सौ ग्राम चार सौ किलोग्राम नेक्स्ट है छह बोरिया एक एक क्विंटल की है और आठ बोरियाँ पचास पचास किलोग्राम की है तो ऊटगाड़ी में कितना गेहूँ लदा हुआ है यह हमको बताना है इसके अंदर छः बोरियाँ थी तो ये आठ इंटू पचास नीचे लिखना है हमें आठ इंटू पचास कितना आ जाएगा चार सौ किलोग्राम आप तो टोटल करेंगे तो तीन और छः कितना हो गया नौ और इसको जोड़ेंगे पंद्रह और चार सौ तो चार सौ पंद्रह किलोग्राम क्विंटल तो हो गया नौ और चार सौ पंद्रह किलोग्राम सबसे फर्स्ट जो है इसके अंदर मुझे तीन क्विंटल पंद्रह किलोग्राम गेहूँ चाहिए सबसे पहले तो कुल कितना था वो देखना एक बार तो नौ क्विंटल था और किलोग्राम कितना था चार सौ पंद्रह मुझे तीन क्विंटल पंद्रह किलोग्राम गेहूँ चाहिए तीन क्विंटल पंद्रह किलोग्राम तो माइनस कर लीजिए तो चार सौ पंद्रह में से पंद्रह गया चार सौ किलोग्राम और नौ में से तीन गया तो छः क्विंटल छः क्विंटल चार सौ ग्राम छः क्विंटल और चार सौ ग्राम कुल लिखना है नौ क्विंटल चार सौ पंद्रह गेहूँ दिया तीन क्विंटल पंद्रह किलोग्राम तीन क्विंटल पंद्रह किलोग्राम बचा कितना छ माइनस कर लेंगे इसमें तो छः क्विंटल चार सौ ग्राम नेक्स्ट अब यहाँ कुल कितना बचा छः क्विंटल चार सौ ग्राम अब गेहूं दिया कितना मुझे साढ़े तीन क्विंटल गेहूं चाहिए साढ़े तीन क्विंटल है इसका साढ़े तीन क्विंटल है तो तीन तो क्विंटल और 500 उसमें क्या हो जाएगा किलोग्राम एक क्विंटल में कितने होते हैं अब तीन क्विंटल था यहाँ पर साढ़े तीन क्विंटल तो साढ़े तीन का मतलब हो जाएगा तीन क्विंटल और पचास ग्राम कितना हो जाएगा तीन क्विंटल और पचास ग्राम तो तीन क्विंटल लिखा आपने पचास ग्राम माइनस कर लीजिए इसमें से जीरो में से जीरो गया जीरो चालीस में से पांच कट कर दीजिए कितना बचेगा पैंतीस चालीस में से पांच कट करेंगे कितना बचेगा पैंतीस और अगर छह में से तीन गया तीन तो तीन क्विंटल तीन सौ पचास तीन क्विंटल तीन सौ पचास किलोग्राम गेहूं हमारे पास अभी भी है नेक्स्ट साढ़े तीन क्विंटल यानी क्या होता है तीन क्विंटल और पचास किलो पचास किलो नेक्स्ट है कि हमें एक ही क्विंटल गेहूं चाहिए सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे तीन क्विंटल बचा कितना तीन क्विंटल और तीन सौ पचास किलोग्राम गेहूं दिया कितना हमें एक एक क्विंटल गेहूं चाहिए एक दो तीन चार पाँच और छ कितना है छः क्विंटल है यहाँ पर अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि तीन सौ पचास है ना तो तीन सौ पचास का कितना हो जाएगा तीन क्विंटल और पचास किलो तो तीन क्विंटल इधर प्लस कर लेंगे तो छः क्विंटल हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे कितना होगा पचास किलो तो छः क्विंटल चाहिए इनको छः क्विंटल और किलोग्राम में कुछ भी नहीं आएगा तो पचास ऐसा कैसा और छः से छः गया जीरो तो क्या तुम्हें बता सकते हो कि ऊटगढ़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया अब कुल कितना बेचा हमारे पास बचा कितना है केवल पचास किलोग्राम उसने पूछा कुल कितना बेचा तो हमारे पास था कितना नौ क्विंटल चार सौ पंद्रह किलोग्राम अब चार को अगर हम क्योंकि चार सौ का कितना हो जाएगा चार क्विंटल हो जाएगा तो चार और नौ तेरह तेरह क्विंटल और पंद्रह किलोग्राम उसके पास था बचा कितना पचास ग्राम उसके पास पचास किलोग्राम बचा है माइनस कर लीजिए पाँच में से जीरो गया पाँच ग्यारह में से पाँच गया छः पैंसठ किलोग्राम और बारह क्विंटल तो उसने कितना बेचा बारह क्विंटल और छः पैंसठ किलोग्राम उसने क्या कर दिया गेहूँ बेच दिया